बिहार की सियासत में वैसे तो कुछ न कुछ होता ही रहता है, लेकिन 16 सितंबर को राज्य का सियासी पारा हाई रहने की पूरी संभावना है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे। बिहार में सत्ता बदलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का 10 महीनों के अंदर ये पांचवा बिहार दौरा होगा। इस दौरे को 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का मिशन 2024 को लेकर बिहार पर पूरा फोकस है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जब नीतीश कुमार गए थे, तभी से बीजेपी ने पूरा ध्यान बिहार पर लगा दिया। बीजेपी बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर रणनीति बनाने में लगी है। इसी मिशन 2024 को लेकर अमित शाह बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं। बीते महीनों अमित शाह ने पटना, पूर्णिया और नवादा के साथ वाल्मीकि नगर का भी दौरा किया था। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। 16 सितंबर को मधुबनी के झंझारपुर में अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दिलचस्प ये भी है कि अमित शाह जिस झंझारपुर में आ रहे हैं, वहां से जेडीयू के रामप्रीत मंडल इस समय सांसद हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेता बिहार में उन 16 लोकसभा सीटों पर फोकस में रखकर दौरा कर रहे हैं, जहां से 2019 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद जीते थे। अमित शाह का झंझारपुर का दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि साल 2019 में नीतीश एनडीए का हिस्सा थे और 17-17 सीट पर बीजेपी और जेडीयू लड़ी थी, जबकि 6 पर लोजपा। बिहार की 40 सीट में 39 पर एनडीए की जीत हुई थी, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बीच अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने तंज किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के बिहार आने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि बिगड़ेगा तो बीजेपी का। अमित शाह साल के 365 दिन भी अगर बिहार में रहेंगे, तब भी हम लोगों को कुछ नहीं होगा, नुकसान बीजेपी को ही होगा। बहरहाल 2020 विधानसभा चुनाव के पैटर्न को देखने पर ऐसा लगता है कि बिहार के कुछ इलाकों पर मोदी सरकार का खास फोकस है। इसमें से एक इलाका मिथिलांचल का है। बता दें कि बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 60 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान 40 से ज्यादा सीट पर एनडीए का कब्जा था। तब जेडीयू और बीजेपी गठबंधन चुनाव लड़ी थी। बीते 3 साल में दरभंगा एम्स और एयरपोर्ट की बात हो या मखाना इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम हो, केंद्र सरकार के बिहार से जुड़े अधिकतर फैसले मिथिलांचल के हित में रहे हैं। खास तौर पर दरभंगा एयरपोर्ट ने मिथिलांचल की इकोनॉमी को नए तरह से बूस्ट दिया है। इसके अलावा सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे का भी एक बड़ा हिस्सा मिथिलांचल से होकर गुजरने वाला है। कहने का मतलब है कि मिथिला क्षेत्र पर बीजेपी पूरा ध्यान लगाए हुए है। बहरहाल देखना अहम है कि लोकसभा चुनाव में मिथिला बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट देता है या नहीं। इंतजार कीजिए।